नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन भोगी और केंद्रीय कर्मचारियों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी पेंशन रिवीजन टेबल्स चल रही हैं, उसमें काफ़ी सारी विसंगतियां भी हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार से आपकी पेंशन रिवीजन होगी और क्या उसमें अपडेट। आपको पता है, पहले जो 31% डीए के अकॉर्डिंग आपको मिल रही थी, जो आगे अब 34% के हिसाब से आपको मिलेगी जो आपकी सैलरी होगी और जो आपकी पेंशन होगी उसमें जो भी बढ़ोतरी है, वो हम आपको बिल्कुल डिटेल में शेयर करेंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको सीधा लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त हो सके। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम एक सिपाही रैंक के लिए बात करेंगे। अगर सिपाही ASCLSC जो भी है उनके लिए अगर हम बात करते हैं, अगर सर्विस टाइम उनका 17 ईयर्स, आप सभी को पता है 7th CPC के अकॉर्डिंग उनकी बेसिक जो पेंशन अभी जो वो प्राप्त कर रहे हैं वो 21,438 रुपये है, और जब इसमें जो आगे अब रिवीजन के बाद जो बढ़ोतरी होगी वो 4,308 रुपये की बढ़ोतरी उसमें होगी। इसी के साथ जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग ये मिल रही है जो ये बेसिक पेंशन है, और जो डीए हम अब अगर बात करें तो वो 31% के अकॉर्डिंग मिल रहा था, अब उसमें 34% में अगर वो मिलता है तो उसमें भी 1,465 रुपये एक सिपाही रैंक के लिए उसमें बढ़ोतरी पेंशन में होगी। तो आप यहाँ पर हम टोटल कैलकुलेट करके यहाँ पर देखते हैं तो एक सिपाही रैंक के लिए कुल मिलाकर विद रिवीजन और जो डीए प्लस 2.57 फिटमेंट फैक्टर, जो सारी टोटल जो बढ़ोतरी जो एक सिपाही रैंक के लिए आफ्टर रिवीजन हमें देखने को मिलेगी, वो यहाँ पर क्लियरली 5,773 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर हमारे एक सिपाही रैंक के जो भी हैं उनको मिलने वाली है। इसी तरह से हम आगे की जो रैंक्स हैं उनके बारे में, नायक हवलदार के बारे में भी बात करते हैं। आप देख सकते हैं, अगर हम एक नायक रैंक के लिए बात करते हैं, आप देख सकते हैं यानी जो सर्विस टाइमिंग है वो 18 इयर्स या अबव है, तो उस हिसाब से जो उसकी 7 CPC के अकॉर्डिंग जो उसकी बेसिक पेंशन जो बेसिक पेमेंट है वो यहाँ पर 21,875 रुपये है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो उनकी बेसिक है वो 21,875 रुपये है, और जो आफ्टर जो रिवीजन यहाँ पर होगा वो रिवीजन के बाद जो बढ़ोतरी यहाँ पर होगी वो 3,448 रुपये की, उसके साथ ही यहाँ पर ऐड किया जाएगा जो 31% की जगह पर 34% जो डीए है वो 1,172 रुपये यहाँ पर। या आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर एक नायक रैंक के लिए सर्विसमैन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4,420 रुपये की उसकी पेमेंट में बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से हम आगे की रैंक्स के लिए भी यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक हवलदार रैंक के लिए अगर हम बात करते हैं, जो सर्विस टाइमिंग है वो 24 ईयर्स है, और 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर बेसिक पेंशन देखी जाए तो वो 23,390 रुपये यहाँ पर है। आप देख सकते हैं क्लियरली जो टेबल में। इसी के साथ जो बढ़ोतरी इसमें होगी आफ्टर रिवीजन वो होगी 3,323 रुपये यहाँ पर, पेंशन रिवीजन के बाद बढ़ोतरी होगी, और उसी के साथ जो 34% डीए के जो बेनिफिट रहेगा वो 1,130 रुपये रहेगा। तो एक हवलदार रैंक के लिए अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि कुल मिलाकर 4,453 रुपये की यहाँ पर बढ़ोतरी एक हवलदार रैंक के लिए है। हमने आपको बिल्कुल डिटेल्ड में समझाया है, अगर फिर भी आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी हो रही है या आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी तरह से मदद की जाएगी। और इसी प्रकार से ये रियल टेबल है, इसी प्रकार से बढ़ोतरी रिवीजन और जो डीए की परसेंटेज बढ़ी है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी टोटल पेमेंट इसमें बढ़ी है वो हमने अलग अलग रैंक्स के अनुसार बिल्कुल डिटेल में जितना हम डिटेल कर सकते थे उतना डिटेल से आपको समझाया है। फिर भी मैंने आपको पहले भी बताया और एक बार फिर से बताते हैं, अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं,
दोस्तों ये जो अपडेट है वो पेंशन डिवीजन टेबल ये इस प्रकार से थी सभी रैंक्स के लिए। फिर मिलते हैं जैसे ही कोई इस पर आगे ऑफिशियल अपडेट आती है या कोई और अपडेट हमारे पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए निकल कर आती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने सभी जो साथी एक्स सर्विसमैन वेटरन्स हैं जो भी कर्मचारी हैं केंद्रीय कर्मचारी उनके साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।